इस क्वेश्चन के अंदर हमने RHS को लिख लिया। यस सर। ठीक, बहुत सिंपल है, मेरे साथ करते हुए चलना। यहाँ लिखा है 1/2 x + y + z। ठीक है, अब इसमें आप होल स्क्वायर को ओपन करो। कौन सा होल स्क्वायर? a माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करो, x² + y² - 2xy। ये लिखो y² + z² - 2yz, और ये नेक्स्ट लिखो z² + x² - 2zx। इतना हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, कितने x² हैं? 2x² हैं। तो 2x² लिख लिए, दो ही y² हैं, एक ये है एक ये है। अगला है 2z² हैं, एक ये है एक ये है। अब हमारे पास क्या रह गया, -2xy - 2yz - 2zx, ये आ गया, और ये आगे चल ही रहा है। तो यहाँ देखो सबके पास दो है, सबसे दो ले लो कॉमन, तो 1/2 x + y - z * 2। हमने दो कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, दो से दो कट गया। ठीक, वैसे इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब इस x का पूरे पद में गुणा करना है, फिर y का पूरे पद में गुणा करना है, फिर z का पूरे पद में, यानी टोटल इसमें कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, हमें तीन बार गुणा करना है, 6, 6, 6, यानी 18 पद आएंगे। देखो ज़रा कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो यहाँ पे x के 6 टर्म है, y के साथ 6 टर्म है, और z के साथ 6 टर्म है, यानी टोटल टर्म स्टार्ट हो जाएंगे 18। ठीक है, इसका इसमें गुणा करो, x²/3 x²/y² - x²/y - z² ठीक है, गुणा पहले देख लो इसका, फिर बाई का करेंगे इन छह पदों में, y² + y³ - x²/y² - y²/z - x z y। फिर अगले छः इसमें करेंगे z²/z²/y² - z x y - y², और ये लास्ट टर्म है आपका z²x। इतना लिखो, कैसे टर्म देखो, सुन लो, एक जैसे पद देखो जो कट जाएंगे, इन्हें सेपरेट कर लो आप, x³, y³ और z³। और कौन से करने हैं, xyz, xzy और zxy, और बाद बाकी जितनों पे मैंने निशान लगा दिया ये नीचे आ जाएंगे उतर के, अब सारे कटेंगे। अभी x² ढूंढो कहाँ लिखा है, ये वाला कहाँ लिखा है, ठीक है, 1 + 1-। अब दूसरा देखो, x² कहाँ लिखा है, x, ठीक है, अब x²y कहाँ लिखा है, ये लिखा है, अब zx², अब y² ठीक है, और कौन, y²z। ठीक, अब जो रह गया वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यही आंसर है। सुंदर आंसर आ रहा है जी।
ठीक, बहुत बढ़िया।